हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, इंडिया फर्स्ट मंकी पॉक्स केसेस रिपोर्टेड इन केरला। सो हुआ क्या है कि एक 35 साल का इंसान है जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से वापस इंडिया आया है, वापस केरला आया है। तो वहाँ पे आके जब उसने अपना मेडिकल चेकअप कराया तो पता चला कि वो मंकी पॉक्स से पीड़ित है। सो मंकी पॉक्स क्या है, ये कैसे फैलता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी ये बीमारी, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो पहले अगर न्यूज़ देख लेते हैं तो ये न्यूज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया का आप आर्टिकल देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक बंदा है जो वापस केरला आया था यूएई से। सो उसने जब अपना मेडिकल टेस्ट कराया तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जब उसकी डिटेल आई वापस, जब उसकी रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि इस इंसान को मंकी पॉक्स है। सो मंकी पॉक्स है क्या? देखो, मंकी पॉक्स एक प्रकार की जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ वो होती हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। इनिशियली जब जानवरों से जानवरों में फैलती हैं, जब इसके वायरस अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, उसके बाद ये जानवरों से मनुष्य में फैलती है। इंसानों में फैलने वाली ऐसी जो डिजीज़ है उनको जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। अगर हम इसके पहले किस चीज़ की बात करें, हिस्ट्री की, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, तो देखो 1958 में जो डेनमार्क कंट्री है यूरोप की, उसमें कुछ बंदरों के ऊपर रिसर्च चल रही थी। उस टाइम पहली बार ये देखा गया था कि मंकी पॉक्स कोई बीमारी होती है। लेकिन अगर इंसानों में इसका पता कब चला, तो एक 9 साल का लड़का था, 1970 में इसका पहली बार पता चला एक 9 साल के लड़के के अंदर। तो वो लड़का नाइजीरिया का रहने वाला था। नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है। सो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि मंकी पॉक्स में होता क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, तो देखो इनिशियली इसमें फीवर होता है, बंदे को बुखार आता है, पूरी बॉडी में पेन रहता है। लेकिन 6 से 13 दिन के बाद में वो उसके कंप्लीट पूरे शरीर के ऊपर दाने होने लग जाते हैं। दाने बहुत ज़्यादा होते हैं जिसमें उसको पूरे स्किन पे इन्फ्लेमेशन महसूस होती है, जलन होती है। तो काफ़ी है, देखो मैं आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली पूरे शरीर पे एक्ने हो रखे हैं, फुंसियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी हैं। और जब 20 से 25 दिन हो जाते हैं तो इधर आप देख सकते हैं ये ऐसे बिल्कुल निकल जाते हैं ऊपर से, फिर इनसे पानी आना शुरू हो जाता है। अगर इसकी मृत्यु दर की बात करें इस बीमारी में, तो हर 10 में से 1 इंसान मर रहा है। मतलब 10% लोग जो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं वो मर जाते हैं। कुछ मैं और तस्वीरें दिखाता हूँ, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बंदा है कम्प्लीटली इसका पूरा शरीर इस बीमारी के से पीड़ित है। आप देख सकते हैं इसके सर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फुंसियाँ हो गई हैं। सो ये कम्प्लीटली इंसान को इस तरह, वो एक तरीके से अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा है ये लड़का, पूरे मुंह पे इस पे दाने हो रखे हैं। अगर हम इसकी बात करें कि ये इंसान से इंसान के बीच में कैसे फैलता, तो देखो ये मेनली एक स्किन डिजीज़ है। तो अगर मान लो स्किन से स्किन का कांटेक्ट हो रहा है, क्लोज बंदे रह रहे हैं, अगर मान लो एक बंदा दूसरे का टोवल यूज़ कर रहा है, उसके कपड़े यूज़ कर रहा है, उसका बिस्तर यूज़ कर रहा है, तो भी ये हो सकती है, क्योंकि ये स्किन की कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर मान लो एक बंदा, मान लो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई यूज़ कर रहा है और सेम गैजेट दूसरा बंदा भी यूज़ किया, तो चांसेस है कि उसको भी हो पाएगा, ये हो सकता है। मतलब अगर हम वैक्सीन की बात करें कि मंकी पॉक्स की अभी तक कोई वैक्सीन आई है या नहीं, तो देखो ऑफिशियली मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन नहीं आई है, ना कोई WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन है या नहीं कोई। क्योंकि कम्प्लीटली गाइडलाइंस देखोगे आप WHO की, तो कोई वैक्सीन का मेंशन नहीं है। लेकिन देखो 1980 में स्मॉल पॉक्स एक बीमारी आई थी, उससे जो लड़ने के लिए, और 1980 में ये बीमारी कम्प्लीटली एलिमिनेट भी हो चुकी थी, तो उसकी बीमारी 85% तक कारगर है मंकी पॉक्स में कम्प्लीटली। लेकिन ऑफिशियली कोई ऐसी वैक्सीन बन के नहीं आई है कि हाँ ये वैक्सीन केवल मंकी पॉक्स के लिए है। सो जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, तो प्लीज़ इस बीमारी से थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी एक केसेस आ चुका है और चांसेस हैं कि ये बढ़ भी जाए, क्योंकि जो इंसान आया था वो भी काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में रहा था रिपोर्ट आने से पहले। तो चांसेस हैं कि ये पूरी पैंडेमिक बन सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरनेशनल जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने तो ऑलरेडी इसको, मंकी पॉक्स को, एक पैंडेमिक, एक महामारी का नाम दे चुके हैं। सो तब तक सेफ रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।